कोरोना काल की थकान को दूर करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग का विभागीय क्रिकेट एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। इस अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एन केसरी, सभी कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी समेत सभी ब्लॉक के बीएमओ व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना काल की थकान को दूर करने और स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग का विभागीय क्रिकेट एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। इस अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एन केसरी, सभी कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी समेत सभी ब्लॉक के बीएमओ व अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार समेत इस टूर्नामेंट को देखने आए थे। उद्घाटन के अवसर पर सीएचएमओ डॉक्टर एस एन केसरी ने कहा, बहुत दिनों बाद स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और ऐसी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। यह हम सभी में एक नए उत्साह का संचार करेगी। आप सभी मन लगाकर खेलिए। बीता साल हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें और अधिक काम करना है। क्रिकेट मैच रायगढ़ स्टेडियम के मैदान में दो बैडमिंटन इंडोर कोर्ट में खेला गया। विदित हो, इस दो दिवसीय टूर्नामेंट का समापन रविवार को कलेक्टर भीम सिंह की उपस्थिति में होगा। हाँ, लगभग एक साल के कोरोना काल में किए गए कार्य के पश्चात और फिट इंडिया के तहत स्वास्थ्य विभाग के हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल खेल चल रहा है, जिसमें सभी ब्लॉक के लोग आए हुए हैं। इसमें लोगों को थोड़ा तनाव से उबरने के हिसाब से क्रिकेट और बैडमिंटन खेल दोनों चालू किया जा रहा है। तो उसी के तहत खेल अभी क्रिकेट का चल रहा है और बैडमिंटन भी अंडरग्राउंड में चल रहा है। सभी ब्लॉक से टीम आई हुई है और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल फाइनल होगा और उसमें समापन के लिए कलेक्टर सर को बुलाया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एसीएन 24।